होटल संचालक ने लगाए जरारा चौकी इंचार्ज पर बहरहमी से पीटने के आरोप, एसपी हाथरस से की शिकायत। आपको बता दें कि हाथरस की हसैन कोतवाली क्षेत्र के गांव भेकुरी बनिवासी सतीश चंद का हाथरस एटा बॉर्डर पर जलेसर थाने की सीमा में गांव सकरा पर एक ढाबा है। बुजुर्ग होटल संचालक सतीश चंद का आरोप है कि देर रात चौकी इंचार्ज अनिल यादव नशे की हालत में अपने हमरा साथियों के साथ आए और गाली गलौज करने लगे और पैसे मांगने लगे। जब उन्होंने गाली गलौज का विरोध किया और पैसे देने से मना किया तो चौकी इंचार्ज ने उनकी पिटाई कर दी। फिर उसके बाद चौकी पर ले गए और जहां नीम के पेड़ से बांधकर बहरहमी से पीटा। फिर उसके बाद उन्होंने हसैन थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। सुबह शांति भंग की धाराओं में चालान करके न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से अब उनकी जमानत करने आने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक हाथरस से शिकायत की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे में अनिल यादव को चौकी से हटाने का बुजुर्ग होटल संचालक को आश्वासन दिया। नवभारत समाचार हाथरस से हरेंद्र सिंह चौधरी। सतीश चंद, क्या घटना है आपके साथ? आपके मेरे साथ घटना है कि मेरा जो होटल है, मेरी जो मार्केट है, वो जिला एटा में है, जलेसर थाने में। और मेरे यहाँ जो क्या कहते हैं जरेरा पुलिस चौकी के दरोगा भी आते हैं और ये यहाँ करके शराफरा पीते हैं, और शराफरा पीने के बाद भी गाली गलौज करते हैं। मैंने जब इनसे मना किया तो उन्होंने मेरे साथ चोटना की, मेरे को उन्होंने यहाँ भी मारा और पेड़ से नीम के पेड़ से जा करके चौकी पे मारा। उसके बाद में मुझे 151 उन्होंने बंद कर दिया। रात भर मेरी जान बचने की उम्मीद नहीं थी, मैंने कैसे कैसे रात काटी। उसके बाद में ये हुआ कि मुझे, मैं जमानत करने के बाद मैं आज एसपी साहब के पास गया, उन्होंने इनको ऑनलाइन हाजिर कराया। और आज अभी तक ये कहीं नहीं, अभी भी ये शराब पी करके वहाँ चौराहे से आगे काके था आश्रम से आगे गाली गलौज कर रहे थे मेरे को, कि मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। कौन कौन थे? अनिल और अरविंद और भरत और एक सिपाही का मैं नाम नहीं जानता हूँ। चौकी कौन सी पड़ती है? चौकी जरेरा। यदि ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? मैं जो कहा कहते आईजी के और डीआईजी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और कहा कहते जो मैं कानून कार्रवाई करूंगा।